दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि बीटीएस को कॉन्सर्ट होने के बाद बीटीएस मेंबर्स के साथ क्या क्या होता है, उनकी हालत कैसी हो जाती है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ट्रू बीटीएस आर्मी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, बीटीएस मेंबर्स की जियोग्राफी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उन्हें सीखने में बीटीएस मेंबर्स को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत ही उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान लगती है। उन्हें अपनी पूरी एनर्जी और पावर लगाकर स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ता है। एंड दोस्तों, बीटीएस मेंबर अपने कॉन्सर्ट को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को यूज कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीटीएस मेंबर को कॉन्सर्ट के दौरान ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, वो इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि उनको सांस लेने तक भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से वे कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें बीटीएस के हर एक मेंबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।